रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद निर्मला सीतारमण लगातार एक्शन में है। वे बैठकें कर रही हैं, जगह जगह का दौरा कर रही हैं। निर्मला सीतारमण की कोशिश है कि रक्षा सौदों में कोई देरी ना हो। इसके अलावा भारतीय नेवी को जल्द ही उसका पहला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिल सकता है। खबरों के मुताबिक एक तरफ जहां चीन लगातार भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, उसके जवाब में भारत भी खुद को मजबूत कर रहा है। इसका नाम कालबेरी है, जो कि टाइगर शार्क ने अपने नाम पर रखा है। भारत को ये सबमरीन सितंबर के अंत तक मिल जाएगी। वहीं इसी कड़ी में दूसरी सबमरीन अगले साल तक भारत को मिलेगी। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य है कि वो 2030 तक नई तकनीक की करीब 24 सबमरीन को तैयार करे। ऐसे समय में जब चीन हिंद महासागर में अपनी नौवहन गतिविधियों को बढ़ा रहा है, तो इन पनडुब्बियों के आने से भारत की नौसैन्य शक्ति के बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।